Sorry, viewers left. Left, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. व्यूअर्स अब इनकी बैग देखते हैं हम। ये इनके टेंडर एरिया है जो हम देख सकते हैं दबाने पे। ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है राइट साइड से, जैसे मैंने दिखाया कि लेफ्ट में इनके प्रोनेशन है, ये राइट साइड में कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। राइट हिप के आसपास ज़्यादा टेंडरनेस है, होना ही है मैडम। क्या ऐसा होगा कि यहाँ पे हो यहाँ पे ना हो व्यूअर्स, जब अगर कमर में दर्द है तो समझ लीजिए ऊपर भी दर्द हो गई। पेशेंट कंप्लेन करे या ना करे, ब्रीद आउट इजी। वेलकम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर जीतू मिश्रा है और हमारे साथ में है क्या मोनिका। मोनिका 24 साल की हैं और ये अपनी कमर दर्द के साथ हमारे पास में आई हैं। कमर दर्द के साथ साथ क्या क्या और दिक्कत है आपको? मुझे बैक में पेन है और लेग में पेन है। तो बैक में लेग में सामने आता है पीछे आता है? पूरे लेग में आता है। पूरे लेग में आता है। और इसको कितना टाइम हो गया है? इसको 6 मंथ्स हो गए हैं। 6 मंथ्स हो गए हैं। क्या क्या इलाज आपने किया इसके पहले? मैंने फिजियोथेरेपी कराई और मतलब ऑर्थो डॉक्टर को भी दिखाया, बट मुझे कोई फर्क नहीं मिला। तो आपका जब हमने फुट असेसमेंट किया, आपको हाई आर्च के बारे में बताया, जो कि क्या आपको उसका 10% ही समझ आया हाई आर्च क्या? हाँ जी आया, और मैं इसको लूंगी कि मुझे फर्क जल्दी से जल्दी आए। व्यूअर्स एक कंडीशन होती है जिसके बारे में बताना चाहूंगा, जैसे कि मोनिका जी सफर कर रही हैं हाई आर्च। हाई आर्च का मतलब होता है कि आपका जो पाँव का बेसिक मिनिमम कॉन्टैक्ट चाहिए 15-20%, अगर वो नहीं है और 10% से कम है कॉन्टैक्ट, तो आपके वेट डिस्ट्रीब्यूशन है पाँव का वो नहीं हो पाएगा। हम इतना तो जानते हैं कि आर्च होना ज़रूरी है, बट आर्च अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए इस तरह से, तो आपका कॉन्टैक्ट या तो ऊपर आता है या पीछे आता है। तो इस जगह पर आपको आने पर पेशेंट्स को जनरली दिक्कत होती है, और वो पेशेंट चलते हैं फिर वेडलिंग गेट के साथ, तो वो कमर का ज्यादा यूज करते हैं। इस तरह से दिखाएं, इस तरह से ज्यादा यूज करते हैं बजाय सर्कुलर रोटेशन, जो कि एक नॉर्मल गेट होता है जिसमें वो पांव साइकिल की तरह चलता है। इस तरह के हाई आर्च वाले पेशेंट्स अपनी कमर का अपने कूलों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो बैक पे पेन आना लाजमी हो जाता है। दूसरी चीज जो हमने ऑब्जर्व किया आज हमारे साथ इनके फर्स्ट विजिट है, इनके पास एक छोटा सा एक्सरे था लंबा रीजन का, सेक्रेट रीजन का, जिसमें इन्होंने काफी 1 महीने पहले कराया था, जिसमें स्पाइन टिल्ट नजर आई, यू नो बेंड थी, जो हम इस कंडीशन को बोलते हैं स्कोलियोसिस। इतना क्लियर था जितना एंगल बेंड था, अगर स्पैज़म भी होता तो भी अगर 5 डिग्री का टिल्ट आता स्पैज़म की वजह से या किसी अंडरलाइंग कॉज की वजह से, डिस्क की वजह से, तो वो कॉज वो एंगल काफी ज्यादा था। तो मैंने इनको एडवाइस किया है कि आने वाले टाइम में एक होल स्पाइन एक्सरे जरूर कराएं, ताकि हमें पूरा एंगल समझ आए। अगर बाय चांस अगर ये 5 डिग्री या 10 डिग्री या 15 डिग्री स्कोलियोसिस से भी सफर कर रही हैं, तो हम उसका इलाज कर सकें या इनको बता सकें स्कोलियोसिस कितना करेक्ट होगा, एक्सरसाइज से कितना, कायरोप्रैक्टिक से। इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है, और हमने बताया कि हर चीज कवर हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जो प्रॉब्लम है वो 100% ठीक हो जाए। आपका जो मैनेजमेंट है, आपकी जो दिक्कतें हैं, उसको हम पूरी लाइफ के लिए मैनेज कर सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं होगी। ये सारी बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, हम रोज़मर्रा देखते हैं। व्यूअर्स हमने इनके लिए कपिंग किया है बैक पे, नीडलिंग किया है, अब हम एडजस्टमेंट करेंगे, और आप भी देखिए कि मैं भी एनालाइज करूं कि कुछ और दिक्कत है कि नहीं है। आइए लेटेंगे उल्टा। पहले इनके पाँव से चेक कर लेते हैं, सर नीचे करेंगे मोनिका। हम देख सकते हैं कि पाँव दोनों एक ही लेवल पे हैं, बट प्रोनेशन जो राइट साइड में है, ये देखिए ये एडी अंदर ज़्यादा जा रही है बजाय लेफ्ट के, है ना। राइट में जो प्रोनेशन है वो भी ज़्यादा है। यही था असेसमेंट में भी? नहीं, ये था, ये लेफ्ट, सॉरी व्यूअर्स लेफ्ट लेफ्ट या ये वाला था, ये नहीं था। व्यूअर्स अब इनकी बैक देखते हैं हम। ये इनके टेंडर एरिया है जो हम देख सकते हैं दबाने पे। ये कॉम्प्रोमाइज कर रही है राइट साइड से, जैसे ही मैंने दिखाया कि लेफ्ट में इनके प्रोनेशन है, ये राइट साइड में कॉम्प्रोमाइज कर रही है। राइट हिप के आसपास ज्यादा टेंडरनेस है, इनमें भी दर्द
होना ही है मैडम क्या ऐसा होगा कि यहाँ पे हो यहाँ पे ना हो? व्यूअर्स, जब अगर कमर में दर्द है तो समझ लीजिए ऊपर भी दर्द हो गई। पेशेंट कंप्लेन करे या ना करे, ब्रीद आउट, इजी। बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट हुआ है, मेकअप करवट लेंगे। टर्न अराउंड मोनिका, मेरी तरफ करवट लेंगे, करवट लेंगे, करवट साइड टर्न। और मोनिका को हमने एक चीज और रिक्वेस्ट की है कि मोनिका मैडम वजन कम कर लो, वरना तो फिर आप हमारे पास पूरी लाइफ आते रहोगे। मैं तो ठीक कर दूंगा, मैं तो इसीलिए बोल रहा हूं कि वजन कम होगा तो जल्दी ठीक होगे। टर्न करो सर, इसको मोड़ेंगे, छोड़ेंगे धीरा, स्ट्रेट, इजी। आओ बैठेंगे आराम से। अब व्यूअर्स को बताओ कैसा लग रहा है आपको? आई एम फाइन नाउ। बट कैसा लगा एडजस्टमेंट से? बहुत अच्छा लगा। जेन्युइन है? यू फेल्ट नाइस? यस। थैंक यू व्यूअर्स, हम मोनिका की जो भी अपडेट होगी आने वाले टाइम में आपको सारी चीजें शेयर करेंगे कितना मोनिका इम्प्रूव हुई। और आप में से किसी को भी इसी तरह की दिक्कत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पे। हमारा क्लिनिक के आजकल टाइम है 10 to 6, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू व्यूअर्स।